आज भारत माता की आंखों में आंसू है, वो आंसू उसके ही चंद बच्चों के दिए हुए हैं। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो कुछ हुआ उससे भारत माता वाकई में बहुत उदास, बेहद बेबस महसूस कर रही होंगी। बंगाल में कहीं बेगुनाहों का खून बहता है, कहीं लोग जिंदा जला दिए जाते हैं, तो सड़क का संघर्ष सदन तक, विधानसभा के भीतर तक पहुंचकर चर्चा से ज्यादा मारपीट पर पहुंच जाता है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल विधानसभा की तस्वीरें हैं, जहां पर टीएमसी और बीजेपी के विधायकों में सदन के भीतर आज हाथापाई हुई है। किसी को घूसा लगा तो किसी की कमीज फटी। पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर की तरफ से इन तस्वीरों को दिखाए जाने पर मनाही की बात सामने आई है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, उनके आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने इन तस्वीरों को ट्वीट किया, जो आज आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई में सर को शर्म से झुका देती हैं। ये बताती हैं कि हमारे राजनीतिक समाज का स्तर कितना ज़्यादा गिरता जा रहा है। हम इन तस्वीरों को दिखाना नहीं चाहते, लेकिन ये तस्वीरें इसलिए देखना ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें कि आपके ही चुने हुए सफ़ेद पोश नुमाइंदे दरअसल विधानसभा में क्या कर रहे हैं। बंगाल पिछले कुछ दिनों से हिंसा की आग में लगातार जल रहा है। बीरभूम जिले के रामपुर हाट में जिस तरीके से 8 लोगों को जिंदा जलाया दिया गया, वो बताता है कि एक समाज के रूप में हम कैसे मुर्दों की तरह होते जा रहे हैं, जिनमें दिल और आत्मा नाम की चीज ही नहीं है। लेकिन इस समस्या का समाधान ढूंढने की जगह राजनीति और राजनीति करने वाले अपने लिए मौका ढूंढने लगते हैं, और वो मौका ऐसी तस्वीरों के रूप में सामने आता है। हम पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि इन तस्वीरों को हम मजबूरी में दिखा रहे हैं। इसीलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग देखें और सोचें कि लोकतंत्र के रखवाले लोकतंत्र के मंदिर में क्या कर रहे हैं। मेरा आज का सवाल भी इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। सवाल है कि आज बंगाल क्यों जल रहा है। इसके जवाब में आपके पास दो विकल्प हैं। एक है कि क्या राज्य की खराब कानून व्यवस्था इसकी वजह है, और दूसरा विकल्प है, यानी ऑप्शन बी है, कि क्या विपक्ष की आक्रामक राजनीति माहौल को बिगाड़ रही है। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABPNews पर जाकर अपना जवाब दे सकते हैं। आपका फाइनल जवाब हम शो के आखिर में जरूर दिखाएंगे। ABP News, आपको रखे आगे।